अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा डो। ठीक है, पिज़्ज़ा डो से हम बन बनाएंगे। और यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें हमें सॉल्ट चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा हमें, और उसके बाद हमें ईस्ट चाहिए एंड प्लेन फ्लोर। प्लेन फ्लोर मतलब मैदा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनके यहाँ मैदा मिलता है, तो वो वहाँ पर मैदा। तो यहाँ पर मैं मैदे को ले लूँगी, 4 कप ले लूँगी मैदा। ठीक है, ये कप मेजरिंग कप है, मगर इससे अगर आप रेगुलर 1 कप लेंगे, मतलब अपने घर के कप से भी लेंगे, तो 4 कप ही बन होगा, 1 कप ही के बराबर होगा। तो आप 4 कप मैदा ले लेंगे यहाँ पर। और मैदा लेने के बाद हम यहाँ पर पाउडर मिल्क है, पाउडर मिल्क मेरे पास है, इसको मैं ले लूँगी 3 टेबल स्पून। ठीक है, इस तरीके से आपको पाउडर मिल्क से जो है वो बहुत अच्छा डो सॉफ्ट होता है एंड बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी ईस्ट, लूँगी ईस्ट को मैंने जो है यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। और ईस्ट को पानी 1/2 कप वाटर लेना है कप में, और उसको ईस्ट को डाल के इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेना है। और अगर पाकिस्तान में है या दूसरी जगह पर इंस्टेंट ईस्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो पानी में से इसे घोल के भी डाल सकते हैं, तो और अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं नमक ले लूँगी, सॉल्ट ले रही हूँ, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून लिया, थोड़ा सा मैंने उसका 1/2 टीस्पून लिया होगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने यहाँ शुगर भी लिया, और इसी तरह से थोड़ा सा मैंने सॉल्ट शुगर भी लिए। यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी में रखना है, उसके बाद सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे ना हॉट वाटर है, इसको थोड़ा सा हम हॉट वाटर से आटा गूँधेंगे। अगर आप चाहें तो दूध से भी गूँध सकते हैं, अगर किसी के पास पाउडर मिल्क नहीं हो तो वो दूध से आटा गूँध लें तो अच्छा टेस्ट आएगा, और नहीं है तो फिर जो है आप पानी से गूँध लें अगर आपने पाउडर मिल्क डाला है तो। और दूध से चाहें तो दूध से भी गूँध सकते हैं, मगर हल्का सा गुनगुना होना चाहिए पानी, ताकि जो है थोड़ा सा डो हॉट वाटर से थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा ईस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ईस्ट भी डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी सबको अच्छे तरीके से। आटे को यकजान करना है, मतलब अच्छी तरीके से गूंदना है, और आटे ना तो आटा ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ना ही तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालेंगे, ये समझिए पानी 1 कप के बराबर है। ठीक है, ये मेरे पास बड़ा कप है, आप छोटे कप से लेंगे तो 1 कप के बराबर होगा पानी। और 1 कप के बराबर पानी है, उसका आहिस्ता 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 इसको डालते रहेंगे, उस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ऐसा हो कि ये देखिए हाथ आपका चिपके, ये नहीं कि हाथ में आटा नहीं आ रहा या आटा जो है वो हाथ से गिर रहा है, बस ऐसा हो जाए कि हाथ में जल्दी चिपक होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका आटा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको अच्छे से गूंदना, अच्छे से मुक्कियाँ चुक्कियाँ मारनी है, ताकि जो है वो आटा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, शरीफ बच्चों की तरह सॉफ्ट सा घुरा है। उसके बाद यहाँ हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा, ऑयल भी आपको 1 टीस्पून ले लीजिए या 1 टेबल स्पून। अगर आपको यहाँ ऑयल यहाँ पे तो बहुत अच्छा मतलब मिलता है कि इस तरीके से होता है कि मैं 1 टेबल स्पून भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छे से आटा बिल्कुल मिक्स हो जाता है, अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए ऑयल ना, ताकि आटा जो है वो अच्छा और बहुत बहुत अच्छे मैं ये डो तैयार होगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अच्छा, इसको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से देखें भुनेंगे सबको, ताकि बिल्कुल एक इसको अच्छे से भून के इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो है ये अच्छे से राइज हो जाएगा। और राइज होने में इसको अभी रैपिंग शीट में रैप कर दूँगी, रैपिंग शीट, और अच्छे से गर्म जगह पर रखना है, ताकि जो है ये अच्छे से राइज हो सके। ठीक है, इसको खुले हवा में नहीं रखना, और रैपिंग शीट से रैप करें या कैप करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो करें। तो ये देखें सॉफ्टनेस देखें इसकी, और रैपिंग शीट से रैप करें और टाइट से रैप करें कि एयर ना जा सके। ठीक है, बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो बन बनाने की वीडियो नेक्स्ट आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखें सब, टाटा बाय बाय।